बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम टेस्ट 3 सॉल्व करेंगे, जो कि होगा बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। पर यहां पर आपने सबसे पहले आपका नाम लिखना है, उसके बाद यहां पर क्लास लिखना है, और आपने इस टेस्ट को सॉल्व करना है पहले पेंसिल से, बाद में अपने आंसर चेक करना है कि आपने करेक्ट टिक किए हैं या रॉन्ग। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है, किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंकों के मेल से जो डेटा बनता है उसे किस प्रकार का डेटा कहते हैं, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिलाकर के किस प्रकार का डेटा बनता है, किस तरह का डेटा बनता है। ए ऑप्शन है टेक्स्ट, बी है न्यूमेरिक, सी है ऑडियो, डी है वीडियो। तो सही ऑप्शन होगा टेक्स्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सेल एड्रेस पहचाने, ए है F8, बी है 8F, सी है F-8, डी है कोई भी गलत नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें का ए, इस तरह का रहता है सेल एड्रेस। देखिए, आपको मैं एक्सेल की विंडो में बतलाता हूं, एक्सेल शुरू करते हैं। यहां पर ये देखिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको नेम बॉक्स में, ये देखिए यहां पर ये D4, तो इस तरह से सेल एड्रेस होता है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है, ए है एंड, बी है परसेंट, सी है इक्वल टू, डी है हैश। तो सही ऑप्शन है सी। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ए है पैराग्राफ्स, बी है रोज एंड कॉलम्स, सी है ग्राफ्स, डी है इमेज। डेटा जो हम स्प्रेडशीट में लिखते हैं, मतलब एक्सेल में लिखते हैं, तो किस तरह से लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो देखिए यहां पर एक्सेल के अंदर यहां पर इन्हें कॉलम्स बोला जाता है और ये 1, 2, 3 जो है ये रोज है। तो हम यहां पर जो डेटा टाइप करेंगे, कोई भी हम डेटा राइट करेंगे या लिखेंगे, तो किस फॉर्मेट में होगा, किस तरह ऑर्गेनाइज होगा, वो होगा रोज एंड कॉलम्स में। तो सही ऑप्शन है बी, रोज एंड कॉलम्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑटोसम किस टैब पर पाया जाता है, ए होम, बी इंसर्ट, सी फार्मूलाज, डी डेटा। तो एक्सेल की विंडो में देखते हैं, देखिए यहां पर ये जो ऑप्शन है ना, ये है ऑटोसम का, ये जो है ये ऑटोसम का है। तो ये कौन से टैब पर है, देखिए कौन सा टैब है यहां पर, ये भी ऑन, कौन सा टैब है यहां पर, ये है हमारा होम टैब। तो कहां पर होता है, होम टैब पर होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा होम। ब्लैंक स्पेस फिलअप करना है, हर वस्तु के एट्रीब्यूट की एक तय वैल्यू होती है जिसे डेटा कहते हैं। हम तारीख डीडी एमएम वाई 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 के फॉर्मेट में लिखते हैं। गानों या आवाज की रिकॉर्डिंग ऑडियो डेटा कहलाते हैं। रो वन में हेडिंग लिखने के कारण उसे हेडर रो कहते हैं। फिल हैंडल पर कर्सर रखते हैं तो वो प्लस में चेंज, प्लस में बदल जाता है। देखिए फिल हैंडल कहां पर होता है, आपको मैं बतलाता हूं। यहां पर देखिए कॉर्नर पर आइए, यहां पर अब ये जो आप देख रहे हैं, कॉर्नर पर आने के बाद में देखिए, कॉर्नर पर आने के बाद किस तरह से माउस पॉइंटर चेंज हो जा रहा है, तो इसको बोला जाता है फिल हैंडल। थर्ड दिया हुआ क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स आपको टिक करना है। सेल एड्रेस फार्मूला बार में दिखता है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, देखिए एक्सेल में यहां पर देखिए, अब ये हमारा फार्मूला बार है, ये कौन सा है, ये फार्मूला बार है यहां का, ये फार्मूला बार है। और सेल एड्रेस हमको कहां दिख रहा है, यहां पर देखिए, ये नेम बॉक्स में दिखता है, ये देखिए यहां पर ये नेम बॉक्स में। तो ये फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। मीन एंड मैक्स न्यूमेरिक डेटा पर काम करते हैं, ये ट्रू है, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मीन
एंड मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं, सॉर्टिंग से हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? फॉल्स है। सॉर्टिंग से क्या होता है? ऑर्डर डिसाइड होता है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। फार्मूला को फिल हैंडल द्वारा भी कॉपी किया जाता है, तो ये क्या है? करेक्ट है। स्प्रिट शीट में डेटा वर्कशीट में स्टोर किया जाता है, ये भी क्या है? करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।